नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। जयपुर शहर के शिप्रापत इलाके में थड़ी मार्केट स्थित सेक्टर 23 में आरएएस अफसर की बहन विद्या देवी की अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से बंधक बनाकर हत्या कर दी। मृतका विद्या देवी सेक्टर 23 में अकेली रहती थी। उनके बच्चे भोपाल में रहते हैं। मृतका के छोटे भाई युगांतर शर्मा आरएएस हैं। अभी वे जयपुर शहर के एसडीएम हैं। वारदात का पता चलने पर शिप्रापत थाना पुलिस सहित डीसीपी हरेंद्र महावर मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड टीम और एफएसएल टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। वहीं पुलिस ने शव को साकेत अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने यह पूरी वारदात लूट के इरादे से होने की आशंका जाहिर की है। हालांकि अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। यह साफ नहीं हो सका है कि इस वारदात में लूट हुई है या नहीं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका विद्या देवी जो कि 55 वर्ष की थी सेक्टर 23 में अकेली रहती थी। उनके बच्चे रहते हैं। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 7 बजे विद्या देवी को आस पड़ोस के लोगों ने घर से बाहर दूध लेते हुए देखा था। इसके बाद गाय को चारा डालने भी गई थी, फिर उनको घर के बाहर नहीं देखा गया। विद्या देवी जयपुर में गुर्जर की थड़ी स्थित एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, जो रोज सुबह अपने सोशल मीडिया पर लड्डू गोपाल की फोटो की डीपी लगाती थी। आज सुबह डीपी अपडेट नहीं होने पर ऑफिस स्टाफ ने कॉल कर उनसे संपर्क करने की कोशिश की। फोन नहीं उठा तो पड़ोस में रहने वाले राजेश जैन को फोन किया, जिससे विद्या देवी से बात करवाने के लिए कहा। दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसी राजेश जैन ने अपने बेटे को मकान के ऊपर की छत के घर में जाकर देखने के लिए कहा, जहां महिला रेलिंग से बंधी मृत पड़ी थी। महिला की लाश देखकर बच्चा डर गया और नीचे आकर दरवाजा खोला, जिसके बाद पड़ोसी अंदर पहुंच सके। महिला की लाश देखकर पड़ोसियों द्वारा मृतक महिला के भाई आरएएस युगांतर शर्मा को मामले की जानकारी दी गई, जो बहन को साकेत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे। शॉल का रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। यह देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तब विद्या देवी के भाई युगांतर शर्मा और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जांच में पता चला है कि मृतका के बेटे अभिनव चतुर्वेदी की 15 फरवरी को शादी होनी थी। शादी की तैयारियों के लिए विद्या देवी स्कूल नहीं जा रही थी। घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी क्राइम दिंगत आनंद, डीसीपी साउथ हरेंद्र महावर, एसीडीपी सुलेश चौधरी, एसीसीपी साउथ अविनाश कुमार, जिला स्पेशल टीम कमिश्नरेट की स्पेशल टीम, 4 आरपीएस रैंक के अधिकारी और 6 इंचार्ज समेत 50 लोगों की टीम जांच में जुट गई है। पुलिस की टीम ने पूरी कॉलोनी के अलग अलग पूछताछ कर रही है। आसपास के सभी मकानों में जांच की जा रही है। डीसीपी क्राइम दिंगत आनंद और एसडीपी क्राइम सुलेश चौधरी मौके पर पहुंची। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।